प्रदेश के नीमच जिले के बाड़दा गांव में आदिवासी समुदाय के युवक के साथ हुई मारपीट एवं हत्याकांड के मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर के आदिवासी समाज एवं सामाजिक संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। घटना में मृतक कन्हैयालाल भील के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने एवं उसकी उपचार के दौरान मृत्यु होने से आदिवासी समाज संगठनों समेत विपक्ष भी लगातार सड़क पर उतरकर दोषियों को सजा दिलाने को लेकर आंदोलनरत है। इसी तारतम्य में आज राजपुर SDM कार्यालय में आदिवासी समन्वय मंच के नेतृत्व में नेशनल SC ST OBC स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के सचिव पटेल एवं सुनील सोलंकी ने बताया कि 26 अगस्त को नीमच जिले के बाड़दा गांव के गरीब आदिवासी समाज के कन्हैया भील को नीमच सिंगोली मार्ग पर बंधक बनाकर छीतरमल गुर्जर एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई एवं पिकअप वाहन के पीछे रस्सी बांधकर घसीटा गया था। उक्त आरोपियों द्वारा इस कृत्य का वीडियो बनाकर बिना किसी भय के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस जघन्य अपराध में कन्हैया भील गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः उपचार के दौरान नीमच अस्पताल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जो नीमच जिले के ग्राम सिंगोली तहसील के बांदा गांव में जो एक आदिवासी समाज के कन्हैयालाल भील नामक हमारे समाज के व्यक्ति को छितरमल गुर्जर नाम के उसके साथियों ने मिलकर उसको गांव के पास से बंधक बनाकर उसको मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ही इतने में भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने हमारे भाई को एक पिकअप वाहन के पीछे रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा। घसीटने के बाद वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आखिर गलती क्या थी। मगर वो लोग उल्टा उसका बिना किसी डर के वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करा और पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने किस तरह से इस आदिवासी को मारा और इसकी औकात याद दिलाई। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जो छितरमल गुर्जर और उसके साथी हैं उन पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1990 की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए और जो उसके हत्या का प्रकरण भी दर्ज किया जाए। उनके उपचार के दौरान नीमच के शासकीय अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। उनको उनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाए। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी भी प्रदान की जाए। और हम एक प्रमुख मांग ये है कि ये घटना पहली नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में इस तरह की और भी कई घटना हुई। हमने नेमावर भी देखा, इसके पहले जघन्य अपराध था और अभी खाते गांव कन्नौज में भी एक हुआ था। हम ये चाहते हैं कि इन जो जिस तरह से एक कमज़ोर तबके के लोगों पर, खासकर दलित और आदिवासी समाज के लोगों पर जो अत्याचार और जो अन्याय किया जा रहा है, सरकार से ये मांग करते हैं 15 दिन के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन पर अपराध पूर्ण तरीके से किया जाए और उसके बाद इनको फांसी की सज़ा 6 माह के अंदर दी जाए। ये हमारी मांग है। अगर इन मांगों के ऊपर अमल नहीं किया गया तो आदिवासी समय में मंच भारत और समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे प्रदेश भर में नहीं देश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के राजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।